अभी 6:45 हो गए, मैं सोकर उठा था तो मैंने इम्यूनिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया पैथो में, बट मेरे पास जो माइक्रो की बुक है उसमें इम्यूनिटी अच्छा दे रखा है तो मैं इम्यूनिटी उसी में से पढ़ूंगा। तो अभी मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि लिमेस कब खुलेगा, उसमें मेरे को स्नैक्स मिले। उससे पहले शायद से काफ़ी दिन हो गए मुझे एक्सरसाइज करे, तो मैं थोड़ी देर के लिए सूर्य नमस्कार करूँगा, देखते हैं। आज बर्गर बने हुए हैं मेस में, मुझे भूख भी काफ़ी लग रही थी और मैं चाय भी लेके आया हूँ। जनरली चाय मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में थोड़े वंस इन अ ब्लू मून ले ही लेता हूँ। खैर मैकडी के बर्गर तो नहीं है, ये योगी भैया के बर्गर हैं, काम चलाओ। एक बार अपने दोस्त को टीटी का इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा इमरजेंसी, वो बाइक से गिर गया तो अभी जा ही रहा हूँ बस। लगवा दिया टीटी का इंजेक्शन, अब 8 बज रहे हैं, पढ़ते हैं पैथो। आज स्वीट डिश में गुलाब जामुन बने। जब भी आप कभी गिर जाओ और आपको चोट लगे तो आपको टेटनस का इंजेक्शन तो जरूर से जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि टेटनस एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में होता है, और उसका जो टॉक्सिन है टेटनोस स्पाज्मिन या टेटनस टॉक्सिन जिसको कहते हैं, वो एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि आपकी मसल्स में स्पास्टिक मसल पैरालिसिस कर देगा, आपका जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगा। और दूसरा उसका इफेक्ट आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, आपका दिल तेज धड़केगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है टेटनस की, उसका इंजेक्शन लगता है जो कि आपको 30 डेज के लिए प्रोटेक्ट करेगा, वो ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिरावत, अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन MMC अग्रोवा। अभी 7:10 हो गए हैं, आज मेरा पैथोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो मैंने बैच ए वालों से पूछा था कि कैसा जाता है, तो बता रहे थे कि पेपर तो आसान सा ही होगा लेकिन लेंदी होगा। तो जैसे हम बाकी डिपार्टमेंट्स में 12:30 बजे फ्री हो जाते हैं, पैथोलॉजी में हम 3 बजे तक वहीं पर रहेंगे। आज एग्ज़ाम है तो योगी भैया ने हमारे लिए पहले से टोस्ट बना के रख रखे थे 10-15, तो हमारे बैच वाले बच्चे जा रहे थे तो सीधा एक टोस्ट पढ़ा रहे थे और 5-6 पराठे ही पहले से बने हुए थे, तो मैं गया तो मुझे एक पराठा और टोस्ट तो जब भी मिल गया। सो नो वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी से खा के थोड़ा सा और पढ़ता हूँ फिर एग्जाम। तो प्रैक्टिकल में 3 चीज़ें आएंगी, एक तो वही हिमैट की स्लाइड्स, दूसरा स्पेसिमेंट्स पैथोलॉजी के, और तीसरा आता है वो इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन की जो भी नीडल्स होती हैं। बस 2 एग्ज़ाम और आज का और कल का, फिर छुट्टियाँ, फिर मौज करते हैं। मास्क गाड़ी में छोड़ दिया, लेने जाना है, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, जस्ट थोड़ा टाइम बचा। ज़्यादा अच्छा नहीं गया मेरा वाइवा, जो भी सर पूछ रहे थे तो मतलब आता तो थोड़ा बहुत था ही, पर बोला ही नहीं गया मुझसे, फिर सर कहने कुछ पढ़ के नहीं आया तो वो डांटने लग गए। आखिर में आते आते मेरे आंसू से निकल गए, फिर सर कहने लगे अगली बार पढ़ के आना वगैरह, बल्कि मैं पढ़ के आया था इतना। तो अभी थोड़ा अपना मूड लिफ्ट करने में आया हुआ हूँ मिडवे में, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी फिर आता था मुझको आखिरी में, बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया सारा प्रैक्टिकल, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इरिट हो गया मैं आखिरी में, आते आते मुझे फिर ये था बस ख़त्म हो कैसे भी करके। तो उस चीज़ में मैं पता नहीं क्यों नहीं बोल पाया, पहली बार मेरे साथ ये करना तो होता नहीं। गुड फूड ड्रिंक्स गुड मूड, पहले मेरा मूड इतना गंदा हो गया था कि मैं तो सोच रहा था कि आज अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डालकर रिसार्ज चला दूंगा, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, इतना बेकार गया था मेरा वाइवा। लेकिन अब एक ये थाली खाने के बाद तो काफ़ी बेटर हूँ मैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल हूँ। चलो करते हैं कल के एग्जाम के लिए, यार एग्ज़ाम ना ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बट ये मेरे साथ पहली बार हुआ था ना कि मैं एकदम से ब्लैंक हो गया वहाँ पर जाके, तो अच्छा ही लगा मुझे। बाकी तो आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी मैसेज आया था कि ओपी जिंदल में आज पहली बार मूवी लगा रहे हैं, कि उसमें 1.5-2 लाख का प्रोजेक्टर तो लगा दिया था, तो आज पहला शो है उसमें मूवी का। जो पहली मूवी लगा रहे हैं वो उधम सिंह है, कल एग्ज़ाम भी है और सोना भी है, लेकिन एक बार जाके देखते हैं कि साउंड सिस्टम और प्रोजेक्टर से क्या वाइब्स आती हैं, चेक करते हैं। जो मूवी चलनी है वो अभी चेतन के लैपटॉप पर ही चलेगी, पीछे अपनी स्क्रीन। काफ़ी अभी ऑडियंस का वेट कर रहे हैं, ऑडियंस ही नहीं आई इतनी कि चालू करें। सब लोग अंदर बैठे हैं लेकिन अभी मूवी नहीं चल रही, क्योंकि अब
जिस लैपटॉप में चलानी थी वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको प्रोजेक्टर। अब मैं डाटा केबल लेने जा रहा हूँ, दूसरा लैपटॉप लगाएंगे फिर जाके मूवी स्टार्ट होगी। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं अंदर कच चल क्या रहा है, सब लोग बहुत ही एक्साइटेड बैठे हैं मूवी स्टार्ट होने वाली है, बट दे डोंट नो जब तक मैं केबल नहीं लाऊंगा जब तक मूवी स्टार्ट होने से। दो डाटा केबल ले लिए स्टैंड बाय के लिए, और चलो जल्दी से जाते हैं। तो अभी मूवी अंदर चल रही है लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा खास मन है नहीं देखने का, कल एग्ज़ाम है तो उसके बारे में पढ़ूंगा मैं। सोना भी मुझे जाके बस थोड़ी देर के लिए शूट के लिए आया था, सवा पाँच हो गए कहीं का नहीं रहा, ना मैं सोने का ना पढ़ने का, थोड़ी थोड़ी नींद पा रही है, देखते हैं सोऊं या ना सोऊं, स्टिल इन डाउट। अभी मैं सोता ही हूँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, टू बी कंटिन्यूड, बाय।